देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में भारत एक नई पहचान के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये तिरंगा यात्रा विकसित भारत 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है।